गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। अध्याय दो बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भागफल देने पर भागफल क्या निकालना है, भागफल भागफल तथा शेषफल ये दो निकालना है। दिया हुआ है 3 सवाल दिया है, पी एक्स दिया है, ये 3 घात में बहुपद दिया हुआ, जी एक्स जो दिया हुआ, भाग करने के बाद भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। पिछले वाले वीडियो में इसका बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बन ही गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वन का पहला में दिया, लिख देते हैं फिर एक बार, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 कॉमा जी एक्स बराबर आपको दे दिया है x² माइनस 2। तो हमको निकालना भागफल और शेषफल, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पी एक्स जो है कि ये सिस्टमेटिक है कि नहीं। चर का घात देखिए 3, 2, 1 और ये अचर पद है, इसका भी घात 0 हो जाएगा, यानी ये सिस्टमेटिक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ये चूँकि सिस्टमेटिक है, मानक रूप में है, तो लिख दिए। अब जी एक्स को देखिए कि मानक रूप में है या नहीं, एक दो घात के बाद एक घात गायब है, तो यहाँ पर सिस्टमेटिक कैसे करेंगे, देखिए x² प्लस 0x कर लेंगे, इसके बाद माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इजी वे में इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, पहला जो है यहाँ पर समझिए कि एक्स क्यूब में अगर हम भाग लगाते हैं x² से तो आ जाता है, स्क्वायर हट जाएगा तो एक एक्स बचेगा, एक्स तो यानी कि x से भाग लगाना है, एक्स देते हैं और इसमें दोनों में सब ये जो एक्स आया तो बारी बारी इसमें गुना करके सामने सामने लिखेंगे। तो क्या होगा देखिए, एक्स में x² से गुना करेंगे तो एक्स क्यू, इसके बाद देखिए यहाँ प्लस 0x² आ जाएगा, 0x में x से गुना करेंगे तो 0x², इसके बाद देखिए प्लस गुने माइनस तो माइनस आ जाएगा, कितना 2x आ जाएगा, नहीं 2 है ये, कितना है 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस 2x आ गया। अब क्या होता है, घटा में चिन्ह बदलता है या नहीं कुछ, तो प्लस, तो प्लस का उल्टा कर लेते हैं, माइनस ये नहीं आ रहा है, माइनस ये माइनस और ये प्लस, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए जो कटेगा काट लेते हैं, ये कट गया और ये माइनस 3x² है और उसके बाद 0x², तो यही आ जाएगा माइनस 3x², और इसका भी चिन्ह प्लस का 2 है और इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस ही है, दोनों जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 7x, ठीक है, उसके बाद माइनस 3 लाएंगे। देख लीजिए यहाँ तक एक बार, अब कितना से लगाएंगे, अब देखिए फिर देखो यहाँ पर माइनस 3 है, माइनस 3x² में x² से भाग लगाएंगे तो कितना माइनस 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा x² तो माइनस 3 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 3 से लगाएंगे, और माइनस 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस तो प्लस का आ जाएगा, तो x 3 में x² से गुना करेंगे, माइनस गुने प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस गुने प्लस माइनस और 3x² आ जाएगा यहाँ, फिर इसमें देखिए फिर प्लस का ही ले लेते हैं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस गुने प्लस माइनस होना चाहिए लेकिन हम प्लस ही रख लेते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 से, तो क्या लिख देंगे 3 में 0 से गुना करेंगे 0
क्या हो जाएगा, जीरो, और आ जाएगा आपको एक्स। फिर देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस तीन दूना छः। अब देखिए चिन्ह को बदल लेते हैं, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। तो ये कटेगा और ये सात सेवन एक्स में से जीरो एक्स जाएगा, यानी कि सेवन एक्स आया, और ये भी माइनस सिक्स है और ये भी माइनस थ्री है, दोनों माइनस ही हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस का चिन्ह ही आ जाएगा, सिक्स और थ्री नाइन हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्या हुआ, शेषफल, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, भागफल, ठीक है, ये आपका भागफल हो गया। यही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, इसको मिटा देते हैं। नीचे में आप लिख सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, भागफल, भागफल बराबर कितना निकला, x माइनस थ्री, और शेषफल बराबर 7x माइनस नाइन, ये दोनों आंसर हुआ। इस प्रकार से पहला सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।